नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट टोंक के दौरे पर रहे, जहां अमीनपुरा से छानबा सूर्या की बनास नदी पर वेंटेड काजवे निर्माण कार्य का शिलान्यास सहित लगभग 43 करोड़ रुपए के विकास कार्यो का शिलान्यास किया। पायलट ने ग्राम बालापुरा और बाहेड़ा में विगत दिनों आकाशीय बिजली गिरने से मारे गए लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें सांत्वना दी। चाकसू में पीडब्ल्यूडी विभाग ठेकेदार की सड़क निर्माण को लेकर लापरवाही सामने आई है। जानकारी के अनुसार 4,32,00,000 से बनाई गई सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार पर मिलीभगत कर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि सड़क हल्की बारिश में टूट गई। उन्होंने कहा कि जो निर्माण हुआ है उसकी जांच करवाई जाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। मतलब चौरा की मिलीभगत से काम होता है, इस रोड में हमारे संस कोटा से 7 दिन में ही टूट गई। मतलब मिलीभगत ही तौर से ने ये 25% पीछा भी को लगा हुआ है और सब ने गार माटी बूढ़ो बेल बाल के रोड बना दे, कहीं निकट बना दे, कूड़े पुले बनाओ, सब में भ्रष्टाचार चल रहे थे। अगर कोई शिकायत करता उच्च अधिकारी के ना, तो हमारी शिकायत लेके एक रद्दी का टोकरा डाल दे। कोई जात नहीं होती है, जात होती है तो यह होती है, हाँ मैंने दिया है, बिल्कुल सही था, वो दूर थी। मतलब सही ईमानदारी से जाती है। कितने दिनों में टूट गई रोड? 7 दिन। 7 दिन में टूट गई। पहली बरसात में टूट गई। खड्डा है। उफड़ बाद उधड़ गई। उफड़ गए बाद उसमें थी बालू माटी और कांकरा नीचे। बस और कहीं कौन सा बिल्कुल डूंगा मरबो जिसमें कांकरा और कुछ मामूली ही सीमेंट। कोई एक मड़को डाल के ठुकवा करो। हमारे यहाँ सकरखावड़ा टू बड़ी मालपुरिया के लिए 9 किलोमीटर की रोड की स्वीकृति माननीय सांसद दस कुमार मीणा के कोटे से हुई है, जिसमें 5 किलोमीटर का डामरीकरण बिल्कुल घटिया सामग्री से हैं, जो ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी की मिलीभगत होकर के इन कर्मचारियों की व अधिकारियों की मिलीभगत होकर के इन्होंने है ना जो घटिया सामग्री का वो रोड बनाया है, जो 7 दिन की बरसात में बिल्कुल उखड़ गई और वो उखड़ने के बाद में भी वो लोग नहीं मान रहे, रातों रात रोड बना दी। वो रोड बना करके उसके ऊपर है ना जो ये मिट्टी डाल करके रोलर चलाया जा रहा है मौके पर इस टाइम पे। हमारे यहाँ ग्राम मालपुरिया से लेकर के सकरखावदा तक जसकोर मीणा के द्वारा रोड की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी राशि लगभग 4,32,00,000 दिखाई जा रही है। अब तक जितने भी ठेकेदारों ने कार्य किया है बिना किसी मतलब का किया है, उसमें कोई माल मटेरियल डामरीकरण नहीं है और रोड इतनी खराब हो चुकी है कि मोटरसाइकिलें गिरती है, लेडीजें गिर जाती है, उसको क्षति पहुंचती है, SMS को जाने के लिए हो जाते हैं मजबूर। परंतु सभी अधिकारियों से और सभी को सूचित किया गया है, परंतु PWD एक्शन IN JN कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मालूम नहीं इस रोड में इतना क्या घपला है जिस वजह से ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। निर्माण कार्य पूरा हो चुका? नहीं, काहे नहीं हुआ। यहाँ से 3 किलोमीटर तो हाल ऐसा ही पड़ा है, बिल्कुल रोड है, बाटा निकल रहा है, खड्डा हो रहा है। ये रोड कितने दिन पहले बनी थी? ये अभी 15-20 दिन हुए, 15 दिन हुए, ये तो 7 दिन बाद में ही फूट गई। 7 दिन के अंदर अंदर तो वापिस फूट गई, जगह जगह खड्डा हो रहा। गोविंद क्या कहते हैं ठेकेदार अधिकारी हैं? अधिकारी ठेकेदार क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सुनता है नहीं अधिकारी ठेकेदार, तो जैसे होगा जैसे ही होगा। अब क्या मांग करना चाहते हो? इसको तुरंत तत्काल में सही कराया जाओ, या उस ठेकेदार को चेंज करके दूसरे ठेकेदार को काम देकर इसको रोड को तो सही करवाया जाए। गवर्नमेंट के पैसे का दुरुपयोग कर रहा है। अधिकारियों की मिलीभगत है और हमने काफ़ी आवाज़ उठाई, फिर भी कुछ ही नहीं हुआ। सरपंच सेक्रेटरी को बोला था मगर कुछ कोई सुना ही नहीं करता है। और हमने 1-2 दिन 3-4 दिन काम भी रोक रखा था, मगर फिर पुलिस वाले आए 3-4 गाड़ियों में और NGN भी आया, वो उन्होंने ग्रामीण को हटा के और काम शुरू कर दिया और ये हालत हो गई। आज ये देखो पूरी रोड टूट टाट के ऐसे हो गई। मैसर्स DD अग्रवाल को अलॉट हुई थी 15.51% बिलो है, उसका डेट ऑफ कमेंसमेंट 8/2/2021 और डेट ऑफ कम्प्लीसन 7/12/2021 है। ठेकेदार समय पर काम नहीं कर पा रहा, इसलिए उसको बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं। क्लास 52 और 53 में लास्ट नोटिस दे दिया है और अभी ठेकेदार ने काम पूरा नहीं किया। ग्रामीणों का आरोप है कि उसमें जो मटेरियल लगाया जा रहा है वो घटिया लगाया जा रहा है। जो भी काम गलत कर रहा है उसको एज पर PWD स्पेसिफिकेशन करवाया जाएगा और अभी उसका किसी भी चीज़ का कोई भुगतान नहीं किया। खेड़ली कस्बे में अप्रैल माह के दौरान एक आड़तीय के मुनीम के साथ दिन दहाड़े हुई लूट के मामले में गैंग के मुख्य सरगना सहित
उसके एक अन्य साथी को पिछले दिनों बांदीकुई पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिन्हें खेड़ली पुलिस द्वारा प्रोडक्शन वारंट पर मामले की पूछताछ कर लाया गया और पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि आरोपियों ने कस्बे के मुख्य चौराहे पर दिन दहाड़े देसी कट्टा दिखाकर मुनीम से लूटपाट की थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिनांक 18 अप्रैल को एक बैंक से पैसे निकाल के ले गया था, मुनीम 2,50,000 रुपए की लूट की थी। इस लूट में स्थानीय पुलिस द्वारा वारदात करने वाले अपराधियों को अरेस्ट किया गया था, जिसमें 2 अपराधी पहले गिरफ्तार हो गए थे, 2 को आज अरेस्ट किया गया। सर, मथुरा नगर पालिका प्रशासन की ओर से नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल के निर्देशन में क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलिथीन को लेकर अभियान चलाया गया, जिसमें कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में पट्टा चौक, फोदा का चौक, बाड़ी बस स्टैंड, उपला बाजार, करौली बस स्टैंड पर दुकानों से करीब 25 से 30 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त कर 1100 रुपए जुर्माना वसूला गया। अजमेर के जनाना हॉस्पिटल से डिलीवरी के समय प्रसूता के जेवर चुरा कर ले जाने का मामला सामने आया है। प्रसूता के परिजन ने टेम्पो का पीछा कर आरोपी महिला को पकड़ा और उससे जेवर बरामद कर लिए और महिला को क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला कोटा निवासी रुखसाना है और उसने पहले भी लोहा खान अजमेर में पेंशन बढ़ाने का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में 13 मामले दर्ज है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जनाना के अंदर जो है मेरी वाइफ एडमिट थी और लेबर रूम के अंदर वो एडमिट थी, तो लेबर रूम के अंदर एक अनजान औरत बिना पास के, बिना किसी की जान पहचान के वो वहाँ पर घुसी। हमें नहीं पता वो कैसे घुसी और उसने वहाँ पर आकर के जो है और स्टाफ की एक्टिंग करके और उसने जो है हमारी वाइफ से जो है सोने के और चांदी के जो जेवर जो है वो उससे लिए। चांदी के जेवर तो उन्होंने मेरी मम्मी को सौंप दिए और सौंप करके सोने के जेवर जो है वो लेकर के वहाँ से फरार हो गई। उसका पीछा करा तो पीछा करने पर औरतों ने बताया कि वो इस रूट पर गई है, इस टेम्पो के अंदर गई है, तो उनका पीछा करके हम लोगों ने चास्ती नगर के अंदर उसको पकड़ा और उसका जो है गिरोह भी था और जनाना वाले लोगों से सूचना मिली कि ये गिरोह जो है बहुत वक्त पहले से इधर इस तरीके की घटनाओं का अंजाम देता हुआ आ रहा है। इस वजह से हम लोगों ने उनकी शिकायत जो है क्रिश्चियनगंज थाने के अंदर दर्ज करवाई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।